ओके आगे बढ़ते हैं। तो मैंने ये टोटल प्रोबेबिलिटी के लिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, बट उसके बीच में पहले एक और एक टॉपिक आ रहा है जो मैं यहां पे लिख रहा हूं, क्वेश्चन बाद में कर लेंगे यहां से। ओके पहले टॉपिक का नाम है बायस थ्योरम। ओके बायस थ्योरम, अब ये थ्योरम अगर आप नहीं पढ़ोगे तो भी आपको आंसर तो आ ही जाएगा, बट टॉपिक का नाम दिया हुआ है तो हम पढ़ेंगे। ओके अगर आपको, चलो आपके पास अभी टोटल प्रोबेबिलिटी की ही थ्योरी है, A1, A2, A3, An से आपने B फाइंड किया। ओके आगे आपके पास B मतलब नई इवेंट का प्रोबेबिलिटी B की। ओके अब आपको ये पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ AI। अब AI मैंने क्यों लिखा, क्योंकि आप A1 लिख सकते हो, A2 लिख सकते हो, A3 लिख सकते हो, An लिख सकते हो, तो मैंने क्या लिखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ AI गिवन दैट बी, मतलब बी के रेफरेंस में बी हो रहा है तब AI की प्रोबेबिलिटी कितनी, ऐसा क्वेश्चन पूछा। तो आपको जनरल फॉर्मूला तो लगाना आता है ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, क्या होता है दोनों का इंटरसेक्शन डिवाइड बाय पी ऑफ बी। चलो आपके पास क्या क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, यस है, AI इंटरसेक्शन बी, तो हमने लास्ट टॉपिक में लिखा था याद करो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ AI इंटू बी बाई AI, तो ये है बायस थ्योरम। ओके बट ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। चलो अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन के मैं क्वेश्चन का मैंने डेटा पूरा लिख दिया हुआ है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। ओके क्या लिखा हुआ है, के मशीन ए प्रोड्यूस 50% ऑफ प्रोडक्ट। अब मैं क्वेश्चन पहले बोल देता हूं कि क्या है, कोई कंपनी है जिसके अंदर ABC तीन मशीन है और टोटल प्रोडक्ट बन रही है, और उसमें से जितनी प्रोडक्ट बन रही है उसमें से 50% प्रोडक्ट ए बना रहा है, जितनी बन रही है उसमें से 30% बी बना रहा है, और जिसमें से 20% जितनी सी बना रहा है, क्लियर। ओके तो बहुत सारे प्रोडक्ट एक साथ पड़ी हुए है जिसमें ए की भी प्रोडक्ट होगी, बी की भी प्रोडक्ट होगी, सी की भी प्रोडक्ट होगी। अब उस प्रोडक्ट, वो जो सब प्रोडक्ट पड़ी हुई है उसके अंदर जो ए से प्रोडक्ट बनी होगी उसमें 3% जितने एरर हो सकती है, मतलब अगर आपके ए में से 100 पीस निकल रहे हैं उसमें से 3 में डिफेक्ट होगी, बी से निकलने वाली इवेंट प्रोडक्ट में 4% जितनी एरर हो सकती है, सी से 5% जितनी एरर हो सकती है, क्लियर। ओके चलो तो क्या बोला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द आइटम इज नॉट डिफेक्टिव। अब आप बताओ, चलो इसमें नॉट डिफेक्टिव क्या होगा, चलो मैं लिख तो देता हूं, चलो नॉट डिफेक्टिव का क्या होगा, नॉट डिफेक्टिव, ओके तो उसका होगा 97%, 96% और ये होगा 95%, बस उसका क्या, कैसे प्रोबेबिलिटी फाइंड करें नॉट डिफेक्टिव का, सम कर दे सबका, ये 0.97 है, 0.96 है, ये 0.95 है, तो सबका सम कर दू क्या, तो ये गलत है, सम तो नहीं हो सकता, रेशियो ले लू, नहीं मैंने बोला ना, तो यहाँ पे नॉट डिफेक्टिव बोला है और क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है जिसमें आप डिसाइड नहीं कर सकते डायरेक्टली कि नॉट डिफेक्टिव का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, अलग अलग लेंगे, ये भी गलत है। ओके तो नॉट डिफेक्टिव का प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसको बी नाम देना पड़ेगा, बी नाम देंगे, बट मैं नाम देने वाला हूं ई, क्योंकि यहाँ पे बी ऑलरेडी यूज हुआ है। ओके ई, इज इवेंट प्रोडक्ट इज नॉट डिफेक्टिव, मतलब हमें पी ऑफ ई फाइंड करना है, बट उसके लिए रेफरेंस इवेंट चाहिए होगी, लेट A1, A2, A3। अब रेफरेंस इवेंट किसको नाम देते हैं, जिनका प्रोबेबिलिटी का सम वन हो रहा हो, जिनका प्रोबेबिलिटी का सम वन हो रहा, तो यहाँ पे ये बात दी हुई है और ये बात दी हुई है, तो प्रोबेबिलिटी का सम किसका वन हो रहा है, यस ये रहा, इसका प्रॉपर्टी का सम वन हो रहा है, तो A1 इज इवेंट, इवेंट क्या है, प्रोडक्ट इज फ्रॉम ए मशीन, मशीन ए, प्रोडक्ट इज फ्रॉम मशीन बी, प्रोडक्ट इज फ्रॉम मशीन सी। ओके A1, A2, A3 इवेंट है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 क्या होगा, 0.5,
probability of A2 0.3, probability of A3 0.2. Clear? Now probability of E is equal to probability of A1 into E by A1, probability of A2 into E by A2 plus probability of A3 into E by A3 plus probability of A4. What is the probability of A1? That is a 0.5. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ई बाई एवन. तो याद रखना, इसमें आपको फॉर्मूला नहीं लगाना है, डायरेक्ट लिखना है. कैसे लिखना है? ए वन हो चुका है तो अब ई की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, स्टेटमेंट तो यही निकलेगा. चलो ए वन हो चुका है, ए वन हो चुका है मतलब कि प्रोडक्ट जो आ रहा है वो ए मशीन से ही आ रहा है. समझ में आ रहा है ना? प्रोडक्ट जो आ रहा है उसमें वो ए मशीन से ही आ रहा है. तो उस टाइम पे एरर ना होने की, डिफेक्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी? ई मतलब डिफेक्ट ना हो, दैट इज 97%, मतलब 0.97. क्लियर? प्लस ये होगा A2 0.3 इनटू, ये बोल रहा है A2 हो मतलब कि प्रोडक्ट इज फ्रॉम मशीन बी, मतलब बी से प्रोडक्ट आ रही है, तब उसमें डिफेक्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी 0.96 प्लस 0.2 इनटू A3 होगा तब डिफेक्ट ना होगा, तो 0.95. तो ये जो भी आंसर है वो आपको खुद कैलकुलेट करना है, हो जाएगा आपसे, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप खुद करो प्रैक्टिस. ओके चलो दूसरा क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द आइटम इज नॉट डिफेक्टिव. आइटम डिफेक्टिव नहीं है. प्रोबेबिलिटी दैट इफ द आइटम इज नॉट डिफेक्टिव देन इट्स फ्रॉम मशीन ए. तो यहां पे इफ मतलब कंडीशन में क्या दिया, नॉट डिफेक्टिव मतलब ई इज अ गिवन, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है थोड़ा, ई इज अ गिवन. ये बायस थ्योरम है, बट बायस थ्योरम नाम नहीं देंगे तो भी चलेगा. क्या बोला, इफ दिट आइटम इज नॉट डिफेक्टिव मतलब कि यहां पे ई रेफरेंस इवेंट है, देन इट्स फ्रॉम मशीन ए. उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, मशीन ए से मतलब A1 से. तो जनरल फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन ई डिवाइड बाई पी ऑफ ई. ओके तो ये क्या होगा, पी ऑफ A1 इंटू पी ऑफ ई बाई A1 पी ऑफ ई. अब इसका जो आंसर है यहां पे नीचे आंसर लिखेंगे वो, और पी ऑफ A1 दट इज अ 0.5 एंड ई बाई A1 इज 0.97, ये लिखा हुआ है. क्लियर? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बायस थ्योरम. क्लियर? बुक पे और भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप खुद सॉल्व करो. अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से देख लो वीडियो, उसके बाद वो समझ में आ जाएंगी. क्लियर? राइट इट डाउन.